हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ फसलांसर में शकील भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और बाहर में खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है भाई। इंतहाई खूबसूरत नर बच्चा दिखा रहे हैं आप। पंच फेस में है, वाइट आइस में है और खड़े साफ कान में है। इसकी डिटेल्स बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। नासी बोल के बड़ा बकरा था बाबू ब्रीड लाइन का जी। उसके बच्चे का बच्चा है ये जी। बाबू लाइन का बच्चा आ रहा बोल के बता रहे हैं। बच्चा आ रहा। और माँ के तालुक से कुछ बता रहे थे आप? माँ शफात भाई के घर की ब्रीड लेने की बकरी उनकी है। वो भी आप ही के पास थी भाई? हाँ, मेरे कहीं थी वो भी। चेहरा काफी नायाब है माशाल्लाह। क्या एज का बच्चा है भैया? चार से साढ़े चार महीने का है भाई। साढ़े चार महीने के आसपास का है। आसपास का है। कान कितने आ रहे हैं इसके? 14 और 5.5। 14 इंच की लंबान है, 5.5 की चकलान है। मोर देन 5 इंच की कान की चकलान आ रही बोल के बता रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। चलने फिरने खाने पीने के हिसाब में काफी अच्छा बच्चा है। फुल पंच फेज में है भाई। चेहरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और खुले अबलख कलर में है। ऐसा नहीं कि भरमार अबलख में, खुले अबलख में आ रहा तो है। वाइट कलर ज़्यादा है बच्चे में। अंदाजतन क्या कान लेगा भाई ये बच्चा? अब लाइन के हिसाब से इसके बाप के तो कान 21 इंच कान है भाई। इसके बाप के 21 इंच कान है इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 19 भी कान ले तो काफ़ी अच्छा बच्चा होगा इस चेहरे के हिसाब में, क्योंकि चेहरा काफ़ी नायाब है और कलर काफ़ी खुला है। हाँ, एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए भाई। 9553351490। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आ रहा है आपका? ये फसलान सर मोहम्मद या मस्जिद के सामने। क्या उम्मीद कर रहे हैं बच्चे के लिए आप? 60,000। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हुए भाई के पास दो नासी पार्टे आ रही हैं। वाइट आइस में हैं, खुले साफ कान में हैं। दोनों ही पार्टों के काफ़ी साफ कान हैं। तो इनके डिटेल्स बताइए भाई। 13 इंच लंबा, 4.5 इंच चकलान जी। ये सामने वाली के लेफ्ट साइड पे जो है। हाँ, ये फर्स्ट वाली के। क्या एज आ रही है पार्ट की? 3 महीने 10 दिन की पार्ट है ये। 3 महीने 10 दिन की पार्ट है। किस लाइन की आ रही है ये? ये बाबू ब्रीड लाइन में की छह नासी है। अम्मा आप ही घर पे पैदा? हाँ, मेरे घर पे पैदा हुई है, मेरे घर के छह। ठीक है। और ये पीछे वाली भाई? इसकी भी नासी है अम्मा, ये भी मेरे घर पे पैदा हुई है, बाबू ब्रीड लाइन में से तैयारी भैया। कान की तैयार है इसके भाई? 4.5 और 4.5 आ रहे भैया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बाबू लाइन के आ रहे हैं। सो है आप ही के घर के पाटा हैं। कान की सफ़ैयत काफ़ी अच्छी है, कान में ठहराव काफ़ी अच्छा आ रहा सो है। और माएँ नासी रहने की वजह से पाटे भी नासी में आए सो है। और एज अप्रॉक्सीमेटली वही 3 महीने 3 महीने 10 दिन की है दोनों। हाँ। की अम्मा अलग अलग है दोनों की? बाप एक ही है। बाप एक ही, अम्मा अलग अलग है। माँ दोनों के अलग अलग है, बाप एक ही है। नहीं, ये 60,000 में दे देंगे दोनों पाटा। दोनों पाटा 60,000 में देने के जी? हाँ, कम हो जाता नहीं? वो तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बहुत गुंजाइश तो इंशाल्लाह हो जाएगी। डिपेंड करता है जो जेन्युइन ख़रीदार है, जो सामने से आकर देखते हैं तो सामने ठहरेंगे तो ऑब्वियसली बात है कमी पेशी तो हो जाएगी। और अगर कोई तीनों एक साथ लेते हैं तो पार्टे एक नर तीनों एक साथ लेते हैं तो अच्छा खासा जो भी है गुंजाइश करके आप दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिखाऊंगा दोस्तों, नर बच्चा देखा आपने, पाटे देख रहे हैं, कान में जो ठहराव आ रहा है, कान की सफ़ैयत काफ़ी अच्छी है। और भाई जिस तरीके से बता रहे हैं, भाई के पास बाबू लाइन का जो ब्रीडर बकरा था उस बकरे की यह खासियत है जो इन पार्टों में आई है, नरबच्चे में आई है। कान में ठहराव काफ़ी प्यारा है। पर्सनली विजिट कीजिए, सामने से क्वालिटी चेक करिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से मुतमइन हो जाइए। सारी डिटेल्स जो आपको बताई गई है पर्सनली विजिट करके सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।